क्या लग रही ना, हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अव्वल आए, फर्स्ट आए। बट व्हाट अबाउट आवर रिस्पांसिबिलिटी? विश यू हैप्पी बर्थडे वीर। थैंक यू पापा। तुम लोग अभी क्लास में गए नहीं? चलो चलो जल्दी चलो, अगर लेट हो जाएगा तो बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। इसको पहले हम स्क्वेयर। मुझे इसमें नहीं खेलना, मोबाइल में अच्छी अच्छी गेम आती है। वीर को इतना महंगा मोबाइल दिला के आपने गलती की। तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ना कि तुम अपनी बच्ची को महंगा वाला मोबाइल नहीं दिला सकते? शट अप! मोबाइल एक बीमारी है। लेकिन अगर इसका उपयोग बिना सोचे समझे करोगी तो ये किसी राक्षस से कम नहीं है। तुम भी किचन में बिजी थी सो दे दिया। मोबाइल के रेडिएशन हमारे बच्चों के लिए कितने खतरनाक है तुमको मालूम भी है? तो बच्चे सोते नहीं है, या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, या उनको याददाश्त की तकलीफ होती है, या वो चिड़चिड़े हो जाते। क्या है मॉम? और इस मोबाइल ने ना जाने अब तक वीर जैसे कितने बच्चों को सही रास्तों से गुमराह कर दिया हो। पापा मुझे मोबाइल में गेम निकाल के दो ना। मम्मी आप ना उसे मोबाइल मत दिया करो। वीर इसका लास्ट ईयर का रिजल्ट देखा है आपने, कितना खराब आया है। और नहीं तो क्या, बच्चे पढ़ाई कम और खेलते ज्यादा है। वीर क्या है वीर? आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है क्लास में। दिस इज अगेंस्ट द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, डोंट यू नो दैट? अभी तक स्कूल से नहीं आया। ना आप इसे मोबाइल दिलाते ना ये वीर बिगड़ता। बंद करो तुम अपनी बकवास, जब देखो तब मोबाइल के पीछे लग जाते हो। थोड़ा ही तो लेट हुआ हूँ, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? अरे अब तू जबान भी लड़ाने लगा? पूरे फसाद की जड़ मोबाइल है। अपनी औलाद की हर डिमांड बिना सोचे समझे पूरी करने वाले पेरेंट्स उसके अच्छे भविष्य के लिए उसकी दीवार के समान होते हैं। लेकिन ये जो वीर की हरकतें हैं ना, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। बच्चे की लाश?